सभी दर्शकों को चित्रासन देखने के लिए मृदुल शरण का नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने ये कैलेंडर है। दर्शकों, ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, इसका महत्व इसके महीनों, तारीखों और सालों से है। मित्रों, तारीख एक ऐसा शब्द है जो अटल है और अडिग है। ये हमारे अनुसार नहीं चलता है, बल्कि हमें इसके अनुसार चलना पड़ता है। तारीखें बीत जाने के बाद भी ये अपना महत्व नहीं खोती है, बल्कि ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, अमर हो जाती हैं। ये तारीखें चाहे वो जन्मदिन का हो, पुण्यतिथि का हो, शादी का हो, स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस का हो, समझौतों का हो या आगमन प्रस्थान का हो, अदालत में दिए गए जज के द्वारा तारीख हो, ये सारे तारीखें हमें अपने अंदर समेट लेती हैं, हमें अपने अंदर अधीन कर लेती हैं और हम इसके अनुसार चलते हैं। ये तारीखें बदलती हैं तभी दिन, महीने और साल बदलते हैं। हम इन तारीखों के साथ मनमानी नहीं कर सकते हैं। तारीखों का आदान प्रदान प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह होता है और हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। तारीखें जो एक बार तय हो जाती हैं, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, और बदलते हैं तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया निभानी पड़ती है, प्रक्रिया को करनी पड़ती है। आमतौर पर तारीखें जो निश्चित हो जाती हैं, वो उस पर हमें अमल करना पड़ता है, अदरवाइज हमें उन तारीखों पर अमल नहीं करने का आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ता है। कभी कभी ये तारीखें हमें खुशी देती हैं और तो कभी कभी गम देती हैं और कभी कभी यादगार पल बना देती हैं। ये तारीखें मिलने का इंतजार भी करवाती हैं और बिछुड़ने का गम भी। इतिहास के पन्नों में तारीखें अमर हो जाती हैं और समय समय पर ये अपना महत्व दर्शाते रहती हैं। कुल मिलाकर हम ये कहें कि सिर्फ वक्त ही बलवान नहीं होता है, बल्कि तारीखें भी बलवान होती हैं। ये तारीखें ही वक्त बदलता है। कहने का तो बहुत कुछ है इस तारीख के ऊपर, एक छोटा सा शब्द है तारीख, लेकिन ये एक समुन्द्र है, इस पर अगर बोला जाए तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। धन्यवाद।